से कौन सा काम कर रहे हो अहमद मियाँ? कहो तो हम पूरा कर दे। हाँ दिमाग खराब कर दिया इस जाहिल औरत को। अपने आप से बहुत दुखी हूँ यार। आप मेरी मोहब्बत है, मेरी आंखों में देखिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। अपने आप को फादर बनते हुए देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को खिलाना चाहता हूँ। 5 साल हो गए इससे बिना से शादी हो, अच्छा नहीं हुआ, मुराद मेरी पूरी नहीं हुई। पता है दुख तब होता है यार जब ऑफिस के साथी पूछते हैं कब बाप बन रहा है, कब हमें चाचा बनाएगा। साथ के लोग हैं यार, सब अपने अपने बच्चे को खिलाते हैं, उसके किस्से सुनाते हैं। मैं कब तक फैमिली प्लानिंग के नाम पे झूठ बोलता रहूंगा? शांत हो जाइए, आपको बाप बनना है ना, मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। कुछ करने तो देती नहीं, बच्चा दोगे तुम झूठी। एक शर्त पे निकाह कर लो, सब कुछ शादी के बाद पक्का। मैंने तुमको बोला था ना कि हट जाओ यहाँ से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और तुम सब लोग भी बहुत नालायक हो, है ना? चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक? शान, हाँ भाभी जान, जरा मेरा फोन पकड़ाना, तुम्हारे भाईजान को फोन करना है, पता नहीं कहाँ रह गए। रॉक्स, भाभी जान का फोन देने चलना है, ठीक है? चलो चलते हैं। कितनी बार कहा है काम के वक्त फोन मत किया करो, समझ में नहीं आती तुम्हें? जी मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप घर कब आएंगे। क्या करूंगा घर आके,
तुम्हारा मनुष्य चेहरा देखूंगा मैं। मेरे काम में दखलंदाजी देना उनसे बुरा कोई नहीं। रखो फट। कौन सा काम कर रहे हो अहमद मियां? कहो तो हम पूरा कर दे। हाँ, दिमाग खराब कर दिया इस जाहिल औरत ने। अपने आप से बहुत दुखी हुई यार। आप मेरी मोहब्बत है, मेरी आंखों में देखिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। को फादर बनते हुए देखना चाहता हूं, अपने बच्चे को खिलाना चाहता हूं। 5 साल हो गए इस सबीना से शादी हुई, अच्छा नहीं हुआ, मुराद मेरी पूरी नहीं हुई। पता है दुख तब होता है यार जब ऑफिस के साथी पूछते हैं कब बाप बन रहा है, कब हमें चाचा बनाएगा। साथ के लोग हैं यार, सब अपने अपने बच्चे को खिलाते हैं, उसके किस्से सुनाते। मैं कब तक फैमिली प्लानिंग के नाम पे झूठ बोलता रहूंगा? शांत हो जाइए। आपको बाप बनना है ना, मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। सच में रहना? सच में, प्रॉमिस। कुछ करने तो देती नहीं, बच्चा दोगे तुम झूठी। एक शर्त पे निकाह कर लो, सब कुछ शादी के बाद पक्का। बच्चा ना होने के लिए रहमत अली अपनी पत्नी शबीना को ही जिम्मेदार मानता था और उसी में सारी कमी बताता था। अपना खुद का बच्चा पाने के पागलपन में रहमत अली ने अपनी एक कुलीग रेहाना नाम की लड़की के साथ अवैध संबंध बना लिए थे। क्या इस अवैध संबंध से रहमत अली को अपना बच्चा मिल पाएगा? और शबीना जो अपने घर में अपने देवर शान जो कि एक मेंटली चैलेंज युवा लड़का है उसके साथ ज्यादा समय बिताती है, वो अपने अकेलेपन को पत्नी की मर्यादा में कब तक रख पाएगी? क्या रेहाना रहमत के अपने खुद के बच्चे को पाने के पागलपन का कोई फायदा उठाने में कामयाब होगी? आइए देखते हैं। देख देख देख, देख, देख। अरे भाईजान आ गए, भाईजान आ गए, भाभी भाईजान आ गए, देखिए ना। कौन शोर मचा रहा है? मैं चुप रहूँ? भाईजान गंदे है ना, डांटते हैं।
शबीना बस करो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। 5 साल से कर रहे हैं ना कोशिश, क्या हुआ, हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ ना, सो जाओ चुपचाप और सोने दो मुझे। सिर्फ मेरी गलती है क्या रहमत? हाँ तेरी गलती है, मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था। समझ में नहीं आती तुम्हें, बांझ तुम बांझ, मां नहीं बन सकती। अरे तुमसे अच्छा तो सड़क वाले के पास सो जाओ ना, तो फ्रेश हो जाऊंगा मैं। तुम्हारा मनोज चेहरा देखना भी पसंद नहीं है मुझे। ठीक है मैडम, कल 11 बजे हम दोनों आ जाएंगे। शुक्रिया। अरे सुनिए, कल डॉक्टर मैडम का अपॉइंटमेंट मिला है 11 बजे का, हम दोनों को जाना है। डॉक्टर? क्यों? मुझे क्यों जाना है? मतलब तुम्हें लगता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं रहमत, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरा बोलने का दिमाग सटक गया तुम्हारा? आपको चेकअप करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है हम दोनों में से किसी को प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि चेकअप करवाने के बाद अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। प्लीज हमारे लिए चलिए ना। अपने दिमाग का इलाज करो, इलाज के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की ना। मैं घर में तेरे दिमाग का इलाज कर दूंगा, वो भी छुट्टी से, समझे? क्या हुआ, ये टेंशन में क्यों हो? रियाना, शादी करोगी मुझसे? हाँ यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हारी उस बांझ बीवी, उसका क्या करोगी? अब तो 3 तलाक भी बैन हो गया। मुझे पता है,
तीन तलाक पे कानून बन गया है। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और हम एक ही घर में एक साथ रहेंगे। तुम क्या करने वाले हो अहमद? मेरे पास एक प्लान है जिससे लोगों की नजर में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हम एक घर में एक साथ रहेंगे। वही तो पूछ रहे, करने क्या वाले हो? मेरे छोटे भाई शान को तो जानते हैं। हाँ? तुम उससे शादी कर लो। देखो उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबीना को तलाक दिया ना तो मुझे जेल हो सकती है, और तुम शान से शादी कर लोगी तो हम एक ही घर में रह सकते हैं। हम सबीना को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ यदि उसे कभी बाद में पता चला तो मैं संभालूंगा। आज तुमने मेरे मन की बात की है, शादी की बात की है, तो इनाम तो तुम्हारा बनता है। कौन सा इनाम मोहतरमा? हिस्सा होती है जिससे किसी की जिंदगी को संवारा भी जा सकता है और किसी की जिंदगी को बिगाड़ा भी जा सकता है। यहां रहमत अली की प्लानिंग तीन जिंदगियों का ताना बाना बिगाड़ने वाली थी। पहली उसकी पत्नी शबीना अली, दूसरी उसका अपना छोटा भाई शान, और तीसरी उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी। शबीना जो पहले से ही पति पत्नी के रिश्ते के उस नाजुक मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई भी धोखा शबीना की जिंदगी तबाह कर सकता था, क्या वो रहमत अली के इस घिनौने प्लान को समझ पाएगी? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, गुस्सा कर दूंगा तो माफ नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुस्सा रही है। बस आप थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, देख रहा हूँ। सबीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं शान की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शान भाई की शादी? आपको उनकी दिमागी हालत तो पता है ना, कौन लड़की उनसे शादी करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला शौहर दिमागी रूप से हल्का है। हाँ पता है मुझे, मेरे ऑफिस में एक लड़की है रेहाना, साथ में काम करती है, बहुत ही गरीब परिवार की है, उसके मामा है गांव में रहते हैं। मेरी बात हुई उसके मामा से और रेहाना से, मैंने बताया शान के बारे में, उसकी दिमागी तकलीफ के बारे में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबीना, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसका ख्याल रखे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी। शान भाई का घर बस जाए उसी में तो मेरी भी खुशी है। मैं तो आपकी ये बात सुनकर खुश हुई है कि आपने शान भाई के लिए इतना अच्छा सोचा। सच में आप जल्द से जल्द शान भाई का निकाह करवा दीजिए। थैंक यू। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो कबूल है। हाँ कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो।
कबूल है। क्या रहमत अली और रेहाना शान के पागलपन को अपना मोहरा बनाकर अपने इस डर्टी प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या रेहाना अपने प्लान के तहत रहमत अली को ही मोहरा बनाकर शबीना को उसी के घर से बेघर करने में कामयाब होगी? तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? मिलाइए। ये देखो, ये मेरा दोस्त है रॉक्स, हमेशा मेरे पास होता है, और ना मेरे पास ढेर सारे खिलौने भी हैं। लेकिन आज तो आप मेरे साथ सोएंगे ना, तो आपके दोस्त को तो बाहर सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मेरे पास ही सोएगा, क्यों रॉक्स हैं? चलो हम लोग सोते हैं, ठीक है? गुड नाइट।